कौन हो तुम? रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? ये लाश किसकी है? कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोलते क्यों नहीं हो? खुद ही देख ले। रविश की डेड बॉडी जंगल के बीच में मिली थी और रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पे किसी शार्प वेपन के निशान थे, लेकिन आसपास कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। और ऐसे केसेस इस गांव में काफी टाइम से रिपीट हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली। तुम्हें क्या लगता है? अब जो भी लगेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लगेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ शहर वापस जाकर ऐसी एक जीप खरीद लूँ, बड़ा मजा आता है ये चलाने में। सच्ची कितने बजे के करीब की बात होगी? सर रात तकरीबन 2-3 बजे के आसपास की बात लग रही है। जंगल में इतनी रात को इस रास्ते पर कोई नहीं आता सर, पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा था। यहाँ से कुछ मिला था? नहीं मैडम, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला था। रॉबरी या आपसी दुश्मनी कुछ भी? नहीं सर, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका पर्स और बाकी सब सामान उसके जेब में ही था। एक काम करते, सबसे पहले रविश के घर से छानबीन शुरू करते। ठीक है सर। नमस्ते, मैं विक्रांत सिंघल, एसीपी मुंबई पुलिस। आपसे रविश की मौत के बारे में थोड़ी बात करनी है। जी साहब आइए, आपके लिए मैं पानी। जी नहीं, ठीक है, आप बैठिए ना, बस थोड़ी देर बात करनी है। जी, उस घटना के बारे में जरा बताइए प्लीज। कभी सोचा नहीं था कि अपने बेटे की मौत देखनी पड़ेगी इस जीवन में। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन आप हमें रविश के बारे में जितना बताएंगी हम आपकी उतनी मदद कर पाएंगे। बहुत खुश रहता था हमारा रविश, उसकी ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई मनमुटाव। जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ, उसकी मौत हुई, वो रात को इतनी देर रात तक जंगल में क्या कर रहा था, कहां से आ रहा था? साहब, उसकी बिंदनी मेरी बहू कजरी पेट से थी, तो वो दाई के घर से आ रहा था। रात के जब 11 बजे तक घर वापस नहीं आया तो मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था, कुछ पता नहीं चला।
दाई के घर गया था, मतलब आपके गांव में कोई अस्पताल नहीं है? अस्पताल तो बड़े लोगों के चोचले होते हैं ना साहब, हमारे यहाँ तो दाई ही बच्चा कर देती है। घर में और भी कोई है? वही है साहब, कजरी। जब से रविश गुजर गया है तब से उसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। वैसे बड़ी चौकी है हमारी बहू, लेकिन हमारी बहू की किस्मत में तो शायद कुछ और ही लिखा था। उसी रात को उसकी बच्ची गुजर गई और साथ ही साथ मेरा बेटा भी, मेरा बेटा और मेरी पोती एक ही रात में मिट्टी में समा गए। साहब हमारा तो वंश ही खत्म हो गया साहब, बहुत दुख के पहाड़ टूटे हैं हमारे परिवार पे साहब। हम कजरी से बात कर सकते हैं? कजरी, हम लोग पुलिस है। मुझे दुख है कि तुमने एक ही रात में अपने पति और बच्चे दोनों को खो दिया। अगर तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो प्लीज हमारी मदद करो। तुम पूरी बात बताओ, उस दिन क्या हुआ था? मेरे साथ ये देखो, ये देखो, मेरी तीसरी बच्ची भी मर गई मेरे साथ। तीसरी? मेरी फूल सी बच्ची है मेरे साथ। देखो ये पैदा होती इस दुनिया से चली गई मेरे साथ। अदिति, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि कजरी के इससे पहले भी दो बच्चे मर चुके? जी वो दो कमजोरी से मर गई थी और ये तो मरी हुई पैदा हुई। कमजोरी से? जी। ठीक है, आप हमें उस दाई का एड्रेस दे दीजिए, हम उन्हीं से पता कर लेंगे। रविश रात 12 बजे यहाँ से निकला, उस वक्त मैं यहीं पे थी। हमने सुना कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। हाँ, कजरी की बच्ची बहुत ही कमजोर थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात से रविश को काफी सदमा पहुंचा होगा, उसका रवैया कैसा था? बहुत ही सीधा साधा आदमी था। नौ महीने अपनी बीवी की बहुत सेवा की, खाना पीना घर का काम सब में मदद करता था। लेकिन जब उसे पता चला तो बहुत दुखी हो गया, मैंने उसे घर भेज दिया। बच्ची की मौत का कारण क्या था? बहुत कमजोर थी बच्ची, मैंने उसमें जान डालने की बहुत कोशिश की लेकिन ऊपर वाले की इच्छा क्या की, किसका क्या चलता है। एक और बात, इस गांव के ज्यादातर बच्चे आप ही करती है। इतने सारे बच्चों के मरने से अच्छा है कि आप लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। अरे कैसी बात करते हैं आप, अरे 50 साल से ये काम कर रही हूँ मैं। लोग कहते हैं मुझ पर भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का हाथ है, और ये बड़े बड़े अस्पताल बस लोगों से पैसा छीनने का काम करते हैं। किसी से भी पूछ लो, मैं कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं करती। अब ऊपर वाले की ही मर्जी नहीं है तो मैं क्या करती। ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ी तो आएंगे। जय राम जी की। ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी गांव में लोग हॉस्पिटल के जगह दाई के पास जाते हैं। वहां जंगल में रविश मर गया और यहाँ पर उसकी बच्ची मर गई उसी रात। तुम्हें इन दोनों डेथ्स में कोई ताल्लुक लग रहा है? ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जंगल में बाकी डेड बॉडीज भी तो इसी तरह से मिली है। उन सारी डेथ्स में और रविश के डेथ में तो ताल्लुक है ही, लेकिन एक बात तो तय है,
इस बच्ची की मौत कमजोरी की वजह से नहीं हुई। हमें सारे केसेस में कॉमन लिंक ढूंढनी चाहिए। तुम यहां क्या कर रही हो इस वक्त? तुम रो क्यों रही हो? किसकी लाश है ये? कौन मर गया? खुद ही देख ले। हेलो सर, अभी अभी जंगल में एक और आदमी की लाश मिली है। क्या? ठीक है, वही पर रुको, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? जंगल में अभी भी किसी आदमी की लाश मिली है। चलो उसी तरह के घाव हैं। वार किसी नुकीली चीज से किया गया है। इसकी बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए और रिपोर्ट बहुत अर्जेंट है। विक्रांत यहां कुछ था, कुछ अजीब। ये कौन है? सर, इन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है। इनका कहना है कि मरने वाला इनका भाई सुनीत है। नाम क्या है आपका? बरखा। भाई था ये आपका? हाँ सर। आपके साथ ही रहता था? नहीं सर, ये पास ही के गांव में रहता था। ये मुझसे ही मिलने आ रहा था। कल शाम को बात भी हुई थी मेरी, तो सारी रात नहीं आया सर।
सुबह यहाँ जंगल में। और कौन कौन रहता था इसके घर में? इसकी पत्नी कोमल। तो वो इसकी बॉडी क्लेम करने के लिए नहीं आई? सर हमने इन्फॉर्म कर दिया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। सर सर इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ से कोई आवाजें सुनी। क्या सुना था तुमने? मैडम मैंने यहाँ पर किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी थी। बाद में मैंने यहाँ पर आकर देखा तो ये आदमी यहाँ पर मरा पड़ा हुआ था। कौन थी वो औरत? देखा था तुमने उसे? वो काली साड़ी वाली औरत। काली साड़ी में औरत, उसका चेहरा ठीक से देखा तुमने? नहीं, एक बात अलग थी कि उसके पैरों में बहुत बड़े बड़े कड़े थे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। अब तक ये सारे लोग मरे हुए पाए गए उस जंगल में। दीपक, सुनित, रविश और कई भी सारे लोग हैं। सबके घाव एक ही तरीके के हैं, सबकी मौत एक ही तरीके से हुई है। उस गांव वाले का कहना था कि उसने एक औरत की रोने की आवाज सुनी और औरत ने काले कपड़े पहने हुए थे। आप में से किसी ने या किसी और गांव वाले ने कभी कोई काले कपड़े पहने हुई औरत देखी है आसपास? काले कपड़े में तो गांव के बाहर बहुत सारी औरतें हैं। रुआसिया कहते हैं उन्हें। रुआसिया? जी मैडम, जो लोगों की मैयत में रोने का काम करती है। रोने का काम? जी मैडम, गांव के बाहर इनकी बस्ती है। विक्रांत, मैं एक बार उस बस्ती में जाके पूछताछ कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं सुनित की बीवी से जाकर मिलता हूँ जो इन्फॉर्म करने के बावजूद नहीं आई। बस्ती कहाँ है पता है ना? ये सुनित के घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? यस। गाड़ी निकलवा। सुनिए, अरे सुनिए, आप आपसे बात। सुनिए, काम करो, तुम इस तरफ पूछताछ करो, मैं उस तरफ देखती हूँ। बोलिए। मैं विक्रांत सिंघल, मुंबई पुलिस। बोलिए साहब। आपसे आपके पति सुनित की मौत के बारे में बात करनी है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? और आप उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए क्यों नहीं गई? हैवान की मौत का खुशी किसी नहीं होती साहब, और जब वो मरा था ना तो मेरे दिल को बहुत खुशी हुई थी। कोई गम नहीं है मुझे। आपके पति की मौत से आपको खुशी हुई है? हाँ। उसने मेरी बच्ची के साथ। आपकी बच्ची के साथ क्या? उसने मेरी बच्ची को मार दिया साहब, उसने मेरी सुधा को मार दिया। वो कहते ना साहब, वंश चलाने के लिए बेटी नहीं बेटे की जरूरत होती है, वही किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई मैं उसके सामने, बहुत हाथ जोड़ी, मत कर ऐसा, पर नहीं माना। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गई थी, घर आई तो देखा कि सुधा उठ नहीं रही है। बोलता है मर गई सुधा, मार दिया मेरी सुधा को। लेकिन ये बात आपने जाकर पुलिस में नहीं बताई? क्या बताऊं सर साहब, पुलिस में कौन सुनता है? पुलिस वाले तो यही बोलते हैं कि तुम्हारा घर का मामला है, तुम सुलझाओ। किससे बताऊं, कौन सुनता है हमारी? इसलिए उसके मरने का कोई अफसोस नहीं है। हम उसे खंदा मिला वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और कुछ पूछना है आपको?
नाम क्या है तुम्हारा? पारो। पारो, तुमने इस बस्ती से काले कपड़े वाली औरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। ये कुछ नहीं बोलेगी, जो पूछना है हमसे पूछिए। आप कौन? रोआसी। नाम क्या है आपका? लता। लता जी, आपने इस बस्ती से किसी काले कपड़े वाली औरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है रात को? यहाँ से रात को मेरी इजाजत के बगैर कोई कहीं नहीं जाता। देखिए, इस गांव में काफी टाइम से कत्ल हो रहा है और गवाह के मुताबिक एक काले कपड़े वाली औरत रात को जंगल में जाती है और वही सारे कत्ल करती है। उसने अपनी आंखों से देखा है। काले कपड़े तो बाजार में बहुत मिलते हैं। हम रुआसियों को मैयत में आंसू बहाने के लिए बुलाया जाता है, आंसू बहाने का कारण बनने के लिए नहीं। कब से कर रही है आप ये काम? क्या करोगी जानकर? देखिए, गांव में जो हो रहा है उसे रोकने के लिए मेरा जानना बहुत जरूरी है और आपका जवाब देना। कितने लोग हैं इस बस के? गिन लीजिए। लता जी, आपके परिवार में या इस बस्ती में कभी किसी के साथ कोई घटना हुई थी या किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो? होता भी तो हम बाहर वालों को नहीं बताते। पर हैरानी हुई कि हम जैसों को कोई तो पूछने आया। वैसे भी मैयत के सिवा हम जैसों को कौन याद करता है? ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। मदद की जरूरत गांव वालों को है, हमें नहीं। हाँ दीदी। विक्रांत, सुनीत की फैमिली से मिले? हाँ, इसके इसकी कॉमन लिंक मिल गई है। सुनीत ने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाला था। अच्छा, और तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, उस बस्ती में मैं एक औरत से मिली, लता नाम था। जब मैंने उससे सवाल पूछे तो बहुत ही उल्टे सीधे जवाब देने लगी। विक्रांत, मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। मैं काम करती हूँ, उस बस्ती के जितने भी पुरानी केसेस है उनकी फाइल्स निकलवाती हूँ, शायद कुछ ना कुछ पता चल जाए। ठीक है, मैं चौकी पे पहुंचता हूँ, मिलकर चेक करते हैं। ठीक है, ओके, सी यू। डाइमा, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे निश्चिंत रहो, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उतने बच्चे पैदा करवाए हैं मैंने लोगों के, समझा? कुछ नहीं होगा। अरे गलती हो गई, माफ भी कर दीजिए। दाइमा, किसी औरत के रोने की आवाज है। चल जल्दी जल्दी निकल, जल्दी निकल। संभल के। ये तो मेरी मोटरसाइकिल है, ये देखिए चाबी भी मेरे पास है। लाइट कैसे चल रही है? मुझे भी समझ में नहीं आता, चलकर देखते हैं। कौन है वहां पर? कौन है? Thank you.
कांस्टेबल्स का कहना है कि हाल ही में इस बस्ती से किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई है। ये सारे के सारे पुराने केस फाइल्स हैं। सबसे लेटेस्ट केस जो अब तक मैंने देखा है उससे भी 5 साल से ऊपर हो गया। ये देखो, ये एक केस है 20 साल पुराना। रूपा नाम की कोई रुआसी थी जिसने यहाँ के लोकल जमींदार नरेंद्र सिंह की हत्या कर दी, और जब पुलिस उसे गाड़ी से बस्ती के बाहर जेल ले जा रही थी तभी गांव वालों ने गाड़ी को रोककर रूपा की हत्या कर दी है। उसका शरीर पूरी तरह से काट दिया गया था। और बॉडी को आइडेंटिफाई किसने किया था? नहीं, मत मारो मुझे। बाबा, नहीं। बाबा, क्या हुआ बाबा? नहीं, मत मारो मुझे। बाबा, नहीं, 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 नहीं। सर, अभी अभी फोन आया है, जंगल में फिर से एक आदमी पर हमला हुआ है। एक और मर्डर? नहीं सर, वो जिंदा है, अपने घर पे है। चलो ठीक है, फटाफट गाड़ी निकालो। ओके सर। वो मुझे मार डालेगी। बाबा क्या हुआ, क्या हुआ बाबा? वो औरत मुझे मार डालेगी। कौन सी औरत? वो काले कपड़े वाली औरत। कब से चल रहा है ये सब? अभी थोड़ी देर पहले से। मेरी बीवी को ना बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो मरी हुई पैदा हुई, और उसी का दाह संस्कार करने के बाद बाबा दाई माँ को घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन जब वहां से रात को लौटे तब से उनकी ऐसी हालत है। डिलीवरी के टाइम पर तुम कहाँ थे? मैं बाहर गया हुआ था। जैसे यहाँ पहुंचा तभी मुझे पता चला कि मेरी बेटी। ठीक है, ख्याल रखो अपने पिताजी का। बाबा, अदिति, इसे बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसे अपने गुनाहों की सजा तो मिलनी ही चाहिए, और उस दाई को भी। कब हुआ ये सब? कल रात की बात है। बच्चा करवा के हम वापस आ रहे थे, अचानक हम पर हमला हुआ। किसने किया हमला? एक काली साड़ी वाली औरत थी, उसने किया। और उस बच्चे का क्या हुआ जहां आप गई थी? वो मरी हुई पैदा हुई। मरी हुई पैदा हुई? दाई माँ आपके हाथों लड़कियां हमेशा मरी हुई क्यों पैदा होती है? क्या मतलब? मतलब रवीश की तीनों लड़कियां थी, तीनों मरी हुई, और कल रात को ये भी। अब तक कितनी लड़कियों की हत्या की है आपने? आप ये कैसी बात कर रहे हो? बात तो अब आपके साथ जेल में जाके होगी। देखिए दाई माँ, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती है कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। सब सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने किसी को नहीं मारा, मारते तो बच्चों के घर वाले ही थे उन्हें। मैं सब बोल देती थी कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। सर, रविश ने उसके तीनों बच्चों को मार डाला। और संतोष ने? संतोष ने उसकी पोती को मार डाला। वो चाहता था उसको पोता हो जाए। सब मुझे बचा लो, सब मेरी कोई गलती नहीं, मुझे बचा लो, सब बचा लो। जरूर कर चाहिए। सब मेरी कोई गलती नहीं कि मुझे, सब मुझे बचा लो, सब सब मुझे बचा लो। इसका मतलब है वही लोग मरते हैं जो अपनी बच्चियों को मारते हैं। ये सब क्यों मर रहे हैं ये तो समझ में आ गया, बस पता ये लगाना है कि ये सब कर कौन रहा है। ये बात तो उस बस्ती की हिस्ट्री जानने के बाद ही पता चलेगी, पर जो भी है मुझे लगता है कि पारो का इन सब से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है।
लता जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकने के लिए मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। रूपा के साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम। पिछली बार भी आपने मुझसे जिस तरह से बात की थी उसी से मैं जान गई थी कि आप बहुत कुछ जानती हैं। रूपा की बॉडी आप ही ने आइडेंटिफाई की थी ना? देखिए, अभी तो मैं आपके साथ बहुत प्यार से बात कर रही हूं। पुलिस की तरह बर्ताव करने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। बताइए क्या जानती है? पारो, तू अंदर जा। बताइए। रूपा मेरी बहन थी। नरेंद्र सिंह नाम का एक जमींदार था, उसकी कोई औलाद नहीं थी और वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता था। नरेंद्र सिंह ने रूपा को देखा और फिर उसने अपने जाल में रूपा को फंसा लिया। फिर रूपा गर्भ से हो गई। वो कहता था कि उसको बहुत अच्छे से देखभाल करेगा। हमने इस बात को घर से बाहर नहीं जाने दिया और हमें भी लगता था कि शायद रूपा की जिंदगी बदल जाए। फिर रूपा को बेटी हुई। नरेंद्र सिंह अपनी बच्ची को जान से मारने के लिए खुद वहां आया। कहां लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? मेरी बेटी को मतलब? नहीं, मेरी बेटी को छोड़ो, मेरी बेटी। रूपा रोई, गिड़गिड़ाई, चिल्लाई, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी और उस बच्ची को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। बात का बदला लेने के लिए रूपा ने नरेंद्र सिंह को मार डाला। जब रूपा को पुलिस जेल लेकर जा रही थी तो गांव वालों ने रूपा को मार डाला, पर मैंने रूपा की बच्ची को बचा लिया। वो जिंदा है। कौन है वो? पारो, पारो रूपा की बेटी। हाँ, जब नरेंद्र सिंह ने अपनी बच्ची को जमीन में जिंदा गाड़ दिया तब मैं वहां किसी तरह पहुंची और उस बच्ची को बचाकर इस गांव से बहुत दूर लेकर चली गई। उसे वहीं पाला पोसा और सबको यही बताया कि ये मेरी बच्ची है, लेकिन फिर कुछ आर्थिक तंगी की वजह से इस गांव में हमें वापस आना पड़ा। लेकिन रूपा को अभी भी यही लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, इसीलिए वो लोगों को मार रही है। उसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए हमें एक बार उसे पारो को दिखाना बहुत जरूरी है। पर पारो को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। पारो को आपने ये सारी बातें नहीं बताई? नहीं। आदिति, कोई लीड मिला? विक्रांत, वो काले कपड़े वाली औरत का पता चल गया। वो रूपा की आत्मा ही है, वही सबको मार रही है। वो नरेंद्र नाम के लड़के से प्यार करती थी, उन दोनों की एक लड़की हुई, लेकिन नरेंद्र को लड़का चाहिए था और उसने उस बच्ची को मार दिया। हाँ भी और ना भी। मतलब
जो गलत फहमी अभी तुम्हें हुई उसी गलत फहमी में रूपा भी है। लता ने मुझे बताया कि नरेंद्र ने अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया था, लेकिन उसके जाने के बाद लता वहां पहुंची और उसने उसको बचा लिया। वो अभी जिंदा है और वही पारो है। और जब तक ये पारो रूपा के सामने नहीं आती तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब वो संतोष को भी मारने की कोशिश कर सकती है। मैं अभी संतोष के घर पर ही आया हूँ उससे बात करने। तुम एक काम करो कि जल्द से जल्द पारो को लेकर यहाँ पर संतोष के घर पे ही आ जाओ। ओके। जी नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे पिताजी से थोड़ी बात करनी है। आई। क्या बात है, अभी भी डर लग रहा है कि वो औरत आकर आपको मार देगी? हाँ साहब, वो आएगी, वो जरूर मुझे मार डालेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी साहब। तो फिर संतोष जी बैठे बैठे ये भी क्यों नहीं सोच लेते कि आखिर वो औरत आपको क्यों मारना चाहती है? मतलब ऐसा क्या किया आपने कल रात को जिस वजह से उस औरत ने आप पे हमला किया? साहब हमने कुछ नहीं किया था, हम वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे, बस अचानक कहां से वो सामने आ गई और हमारा ये हाल कर दिया। वो तो चाहती थी कि हम जान से मरे। वो सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करके आप जंगल के रास्ते से आ रहे थे, ऐसा क्या किया आपने? नहीं वो हम तो बस पानी। शुक्रिया बाबा। खून, खून क्या हुआ बाबा? सब मत पीजिए, खून है इसमें। अरे खून, खून पिला रहा है तू, मत पीजिए साहब, मत पीजिए। किसका खून नजर आ रहा है आपको इस पानी में? अपनी पोती का? नहीं नहीं साहब, खून है इसमें, खून है, पानी नहीं है। बेवकूफ खून पिलाएगा मेहमान को? जा रखवा हो जाओ यहाँ से। अरे घर में नहीं, घर के बाहर जाओ वरना फिर मुझे खून पिलाएगा तू। जा। संतोष जी, तुम्हारी दाई माँ तो हवालात में चली गई और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सर यकीन मानिए, मैंने किसी को नहीं मारा। संतोष देख, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना तुझे इतना मारता कि दुनिया भर बेटी बचाओ का नारा लगाता फिरता। तू अपने पोती को मारा तूने? नहीं। रूपा इसे छोड़ दो, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। और रही तुम्हारी बेटी की बात, तो वो अभी भी जिंदा है। रुक जा रूपा, रूपा तुम्हारी बेटी जिंदा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, नरेंद्र ने तुम्हारी बेटी को जिंदा गाड़ दिया था, लेकिन तुम्हारी बहन ने उसे बचा लिया था और वो यही है तुम्हारे सामने, यही है तुम्हारी बेटी पारो। पारो, हो सके तो लता को माफ कर दे, उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। हाँ मुझे पता है,
बचपन से माँ ने मेरा ख्याल रखा है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। अच्छी बात है, चलो। वह औरत मुझे मार डाली, ये औरत मुझे मार डाली, मुझे मार डालेगी। चली गई। तुम भी चलो। रूपा से तो बच गए लेकिन पुलिस के डंडों से नहीं बच पाओगे। चल। तो एसपी आदित्य शर्मा, ये मिशन तो अकम्प्लिश हो गया, अब अगले मिशन पे जाने के लिए तैयार हो? कौन सा? ऐसी एक जीप खरीदनी है मुझे, ढूंढने में मदद तो करोगी ना? मदद तो करनी पड़ेगी तुम्हें।